हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, मैं बात कर रहा था रीजनिंग के टॉपिक फिगर काउंटिंग की, और फिगर काउंटिंग में मैंने पार्ट फर्स्ट बेसिक कंप्लीट करा दिया था। अब हम आगे के टॉपिक पर, आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं, जो हार्ड और बेहतरीन आकृति जो एग्जाम में आती है और आने लायक आकृति है। तो दोस्तों, उनकी जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इस आकृति की ओर ले चलता हूं। ये आकृति और ये आकृति एक दूसरे से जुड़ी हुई आकृति, अगर आपको ये आकृति अच्छे से समझ में आ गई तो ये आकृति भी आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी। ये आकृति एसएससी सीजीएल में आई थी और अब तक की एसएससी की सबसे हार्ड आकृति मानी गई है। दोस्तों, ये आकृति मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में समझा दी गई है, तो कृपया जाकर आप पिछले वाले वीडियो पे जाकर एक बार इसको जरूर समझ लें, जिससे आगे वाला ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बात करता हूं मैं इस आकृति की। यह आकृति मैंने इसलिए बताई है आपको, जिससे आपको याद आ जाए कि पिछले वीडियो में भी हमने कुछ देखा था, अगर वो भूल रह गया तो उसको जरूर अवश्य देख लें। तो देखिए दोस्तों, इस पर अपन आते हैं। इसमें पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, या फिर वो इंग्लिश में इस प्रकार पूछेगा हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, यानी दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, और हम बात कर रहे हैं त्रिभुजों की। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी आकृति है। अब दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि इसमें आठ का सेट, इस वाली आकृति में कि ये जो सेट होता है, ये वाला आठ का सेट होता है। तो देखिए, इसमें भी यहां सेम ये वाला आठ का सेट है। अब ये वाला आठ का सेट है, तो इधर भी सेम ये वाला भी कितने का सेट है, एट का सेट है। आगे देखिए दोस्तों, ये थ्री का सेट है, ये थ्री का सेट है, ये थ्री का सेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आप 3, 8 कैसे लिख रहे हो, तो ये पिछली वीडियो का जो बेसिक था उसकी चीजें, तो आप जब तक बेसिक नहीं करोगे तब तक बढ़िया आकृति नहीं हो पाएगी, तो वो वीडियो जरूर देख लें, गलती से भी उसको स्किप ना करें, जिससे आपको बड़ी आकृतियों में मदद मिल सके। ये तीन का सेट है, ये तीन का सेट है, ये भी तीन का सेट है। उसके बाद देखिए, अब यहां तक इनको जोड़ लीजिए आप। देखिए 8 और 8 16 16 प्लस देखिए 3 3 6 और 3 9 9 और 9 कितने हो गए 18 कितने हो गए 18। अब ये तो हमने देखो बिल्कुल आसान तरीके से गिन ली इतनी त्रिभुजों की संख्या, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक पढ़ा हुआ है। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे मैं इस पॉइंट को नाम दे लेता हूं ए, इसको नाम दे लेता हूं बी, इसको नाम दे लेता हूं सी, और इसको डी। देखिए बहुत आसानी, धीरे धीरे समझेंगे। डी के बाद इसको देखता हूं ई, और इसको दे लेता हूं एफ, ठीक है। एफ के बाद ये जी, ये एच, ये दोस्तों आई नाम दे लेता हूं इसको, और आई के बाद इसको नाम दे लेता हूं मैं जे। अब जो मैंने मुख्य मुख्य बिंदु है उनको इंगित कर दिया है, नोटेड कर दिया है। देखिए अब आते हैं हम, मैं बात करता हूं एक त्रिभुज बन रहा है इसमें एच बी सी। देखिए एच बी सी, यस या नो, यानी एच बी सी वाला, एच बी सी प्लस। आगे देखता हूं मैं दोस्तों, एक त्रिभुज बन रहा है बी जी सी, बी जी सी इसके जस्ट अपोजिट बी जी सी। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला ट्रायंगल, अगले ट्रायंगल देखते हैं दोस्तों। अब मैंने जब ये वाली तीन गिने थे और ये वाले आठ गिने थे, तब ये वाली जो आकृति है ए एच ई, ये वाली आकृति नहीं गिनी थी, तो इसको हम गिन लेते हैं ए एच ई। उसके बाद हम सेम इसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड चलते हैं डी जी एफ, डी जी एफ, डी जी एफ प्लस। उसके बाद आगे चलते हैं, देखिए ए जी डी, ए जी डी या ए डी जी, कुछ भी कर सकते हो आप, ए डी जी प्लस। जस्ट उसके अपोजिट, ए डी जी के जस्ट अपोजिट देखोगे तो आपको दिखेगा ए एच डी ई, ए एच डी, ए एच और ये डी। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहां तक किसी को भी गिनने में समस्या नहीं आती, बहुत स्टूडेंट होते हैं जो इसको गिन लेते हैं। उसके बाद यहां समस्या आती है, देखिए आगे चलते हैं, आगे जब हम चलते हैं तो देखिए दोस्तों, ये वाला ट्रायंगल देखिए ए
बी सीधा बी पॉइंट पे आ जाओ नीचे उतर के, बी पॉइंट से सीधा जी पॉइंट पे चले जाओ और जी से वापस ए पे आ जाओ, यानी ए बी और जी, ए बी और जी, यस या नो। उसके बाद जस्ट इसके अपोजिट दूसरा निकलेगा, देखिए हर में अपोजिट निकल रहा है, तो डी सी और एच, डी डी से सीधा होकर के सी पे आ जाओ, एच पे चले जाओ और एच से वापस सी पे चले जाओ, ट्राइंगल बन रहा है, तो कौन सा बन गया डी सी एच, ओके, या आप सी डी एच भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया, उसके बाद देखिए दोस्तों यहां से पॉइंट नंबर आई पे मैं नोटेड कर रहा हूं, पॉइंट नंबर आई से मैं नोटेड जब करता हूं तो देखिए आई, आई से उतर के सीधा बी पे आ जाओ आप और बी से सीधा आप एल पे चले जाओ, देखिए ये वाला ट्रायंगल, ये वाला आई बी एल, आई बी एल प्लस। उसके बाद देखिए दोस्तों जे सी के, देखिए जे से उतर के सी पे आ जाओ, सी से उतर के पे चले जाओ और वापस जे पे आ जाओ, यानी देखिए कौन सा जे सी के, यस या नो। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे जब मैं बात करता हूं आगे चलता हूं तो आगे देखिए दोस्तों ये पॉइंट है अपना के वाला, ये पॉइंट कौन सा है के वाला, और के वाले पॉइंट से उतर के यहां आ जाइए, देखिए ये वाला इस वाले पॉइंट पे, इसको मैं नाम दे देता हूं एम, इसको नाम क्या देता हूं मैं एम, के से लेके एम पे आ जाइए, एम से लेके एल पे चले जाइए, एल से वापस के पे चले जाइए, देखिए के एम एल। अब देखिए आप इनको गिनिए 16 और 18 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और 45, तो टोटल ट्रायंगल कितने इसमें 45 ट्रायंगल है। देखिए दोस्तों इतनी बेहतरीन आकृति है और कई बार एग्जाम में आने की इसकी संभावना होती है, एसएससी के बाद ये रिपीट हो चुकी है, तो इसको ध्यान से देखें भूले नहीं, तो 45 इसका आंसर है। उस टाइम इसका एसएससी ने जो हाईएस्ट आंसर दिया था 40 था, लेकिन इसमें रियल में जो ट्रायंगल है वो 45 है, यस या नो। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अगली आकृतियों के, दोस्तों अब हमारे सामने ये आकृति है, अब इन आकृतियों की हम जब बात करते हैं तो इन आकृतियों में मैंने आपको बेसिक में समझाया था, फिर मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें, बेसिक में मैंने बताया था कि ऐसी आकृति हो तो अंदर वाले ट्राइंगलों में नंबर डालिए ये 1 2 3 और इनका टोटल कर दीजिए 1 + 2 + 3 = 6। ऐसे ही इसी के पैरेलल यह वाली आकृति भी है, अगर आपका बेसिक कंप्लीट हुआ ना मैं फिर बता रहा हूं आपको, तो बड़ी आकृति आसानी से हो जाएंगी। अब देखिए इनमें क्या करें, आप जितने भी बेस हैं उनमें नंबर डालो, देखो इसका पहले एक बेस ही रहा इस आकृति का, तो इसमें नंबर डाल दिया 1 + 2 + 3, इनको टोटल जब मैं करूंगा इस बेस से तो इस बेस से निकल के आएंगे मेरे पास सेट ट्रायंगल, ओके। फिर मैं इस पे नंबर डालूंगा 1 2 3 सेकंड नंबर के बेस पे, तो इससे भी कितने निकल के आएंगे 6, और फिर मैं इससे नंबर डालूंगा तो इस पे भी कितने आएंगे 6, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे 18, कितने हो जाएंगे 18, बड़े आराम से ट्रायंगल निकाल सकते हैं, ओके दोस्तों। अब किसी के दिमाग में यह आ रहा हो सर बड़ा वाला, तो ये बड़ा वाला जो भैया वो इस वाले बेस में आ गया है नीचे वाले में, तो ऐसी बात दिमाग में नहीं आनी चाहिए, वो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, बस आपको ये ध्यान रखना ऐसी आकृति तो बेस पे नंबर डाल दो उनका टोटल कर दी। अब देखिए इसमें आ जाइए 1 2 3 4, यानी इस वाले बेस से कितने निकलेंगे 10, 1 + 2 + 3 + 4 = 10 होता है। उसके बाद इस वाले बेस की बात करते हैं तो इससे भी कितने निकलेंगे 10, इससे भी कितने निकलेंगे 10। उसके बाद देखिए दोस्तों इससे ऊपर बेस ये रहा 1 2 3, बेस यानी आधा और ये 6, और फिर इस वाले आधार की बात करेंगे 1 और 2, तो इससे निकलेंगे 3, इससे कितने निकलेंगे 3, और अब इनका टोटल कर दीजिए, देखिए 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 3 29, यानी 29 आपका क्या आ जाएगा आंसर, देखिए चुटकियों में आंसर आ रहा है, इसलिए
अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, सवाल सॉल्व करने का तरीका अच्छा लग रहा है, टाइम कम लग रहा है, आपको पता चल रहा है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। क्लियर दोस्तों? अपने जितने दोस्तों उनको आप फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए वीडियो को, जिससे और लोगों की भी मदद हो सके। कहते हैं ना, कर भला होगा भला, तो आप उन लोगों का भला सोचोगे तो भगवान आपका भी भला जरूर करेगा। आगे देखिए, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 यानी कितने 15, 15 इनका टोटल करोगे कितना आएगा 15, 15। फिर इस वाले पेज पर आ जाइए, देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5 यानी कितने 15 ही इसमें है। और देखिए दोस्तों 1, 2, 3 मैं स्पीड से इसलिए निकाल रहा हूं जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए। इसमें कितने 6, इसमें देखिए दोस्तों 1, 2, 3 और इसमें भी इस वाले पेज से भी कितने आएंगे 6। अब इनका टोटल कर दीजिए 15 + 15 = 30 + 6 = 36 + 6 = 42 तो कितने ट्राइंगल है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हम अगली आकृति पर आ चुके हैं और अगली आकृति आपके सामने इस प्रकार है। देखिए दोस्तों अब इसमें हमें ट्राइंगल गिनना है। अब ट्राइंगल गिनेंगे तो आपको पता होगा कि ये वाली आकृति आपको दिख रही होगी अलग से और ये वाली आकृति आप अलग से देखिए। अब इस वाली आकृति को अलग से देखोगे तो आपको 3 का सेट दिखेगा और इसमें भी 3 का सेट दिखेगा नीचे भी। बताइए कुछ गलत कहा गया मैंने? अब देखिए दोस्तों जब ये बीच वाली आकृति रह जाएगी तो ये 8 का सेट है भैया। अब आप कहोगे सर आपने 8 का सेट कैसे रख दिया? वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये आकृति आगे वाली समझनी है तो बेसिक जरूर पढ़िए। देखिए दोस्तों ये होता है कि ऐसी आकृति अगर होती है तो अंदर वाले ट्राइंगलों में नंबर डालते हैं इस प्रकार और जितने भी ट्राइंगल आते हैं उसका जस्ट डबल कर देते हैं। यहाँ 4 आया तो 4 का डबल क्या कर दिया 8। तो अब आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी आपको पिछली वाली वीडियो तो देखनी पड़ेगी जिससे बेहतरीन तरीके से समझ में आए। यहां तो मैंने जल्दी से करा दिया है। अब देखिए अब इसका टोटल कर दीजिए 3 + 8 कितना हो जाएगा 11 + 3 = 14 तो कितने ट्राइंगल है इसमें 14, 14। यस या नो? आगे चलते हैं दोस्तों इस वाली आकृति पे। अब देखो आप आसानी से 8 और 3, 3 के सेट 4 यानी 12 और + 8 कितने 20। अब आप कुछ के स्किप हो गया था क्या 3 कर दिया तो देखिए 3 का सेट ये रहा, 3 का सेट ये रहा, 3 का सेट ये रहा, 3 का ये रहा, यानी 3 के 4 सेट, 3 के 4 सेट यानी 12 और 8 ये रहे तो 20। इतना आसान सर था इसका, दिखने में बड़ी भले ही बड़ी आकृति है। अब इस पे आ जाइए। अब देखिए दोस्तों ये वाली आकृति देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 यानी 6 का डबल 12। उसके बाद देखिए 3 का सेट ये रहा, 3 का सेट ये रहा, मैं टोटल लिख देता हूं 6। ओके उसके बाद देखिए दोस्तों एक बेसिक चलता है कि अगर कोई रेखा सेंटर को टच कराती है तो उस पे बनने वाले जॉइंट के मध्य 2 ट्राइंगल और बनते हैं, वो मैं बेसिक आपको थोड़ा सा आगे कराऊंगा। लेकिन अभी यहां समझ लो, देखिए इस वाली लाइन से एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा ये निकल रहा और जस्ट इसके अपोजिट दूसरा ट्राइंगल ये निकल रहा, 2, 2। ऐसे देखिए दोस्तों इधर भी 2 ही निकलेंगे, 1 और ये 2, ये और ये 2, तो 2 और 2 = 4, तो 12 और 6 = 18, 18 और 4 = 20। कितना आंसर आ जाएगा इसका 20 ट्राइंगल है इसमें। इतनी सी बात थी। अब आपको ये 2 और 2 = 4 को ऐसे नहीं करना है, एक एक करके नहीं निकालना है, आपको बस इतना रखना है कि यदि कोई रेखा, ये देखो ये रेखा है, यदि कोई रेखा सेंटर से टच करा रही, देखो ये सेंटर से टच करा रही है, इसमें रेखा सेंटर से टच नहीं करा रही, देखो गैप है बीच में, इसमें करा रही है, तो उसके मध्य जॉइंट बन। दोस्तों देखिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस पर। इसके दोस्तों हमारी अगली आकृति इस प्रकार दी गई है और इन आकृति में वो पूछेगा त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो देखिए दोस्तों ये वाली आकृति आपको सबसे पहले देखनी है आकृति नंबर 5 ऐसी आकृतियों में। तो देखिए दोस्तों ये आकृति आपको दिख रही होगी। अब इस आकृति का आप केवल केवल ये पार्ट देखिए, ये पार्ट, अब ये पार्ट देखोगे तो आपको सीधा 8 का सेट दिखेगा भैया और फिर ये भी 8 का सेट दिखेगा। तो 8 + 8 + अब मैं आपको बताऊं इसमें 2 ट्राइंगल और बन रहे, देखिए ये वाला ट्राइंगल एक और बन रहा है, यस या नो? और दूसरा ट्राइंगल ये वाला बनता है, दूसरा ट्राइंगल ये वाला बन रहा है। तो
तो इसमें कितने ट्राइंगल बन रहे हैं, दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो कितने हो गए टोटल 8, 8, 16 और 2, 18 यानी 18 ट्राइंगल इसमें हो गए। ये भैया एसएससी एमटीएस में आया था 2016 में सवाल, विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये लीजिए, क्या ये लीजिए इसका उत्तर, कुछ और मत लेने की समझ जाना, है ना, मैं उत्तर लेने की बात कर रहा हूं, उत्तर लेने की, है ना। हाँ इधर देखिए, समझदार हो आप लोग, मुझे पता है, तो उत्तर की बात हो रही है। आगे देखिए, अब इसका बेसिक आपको याद रखना है क्या, कि जब ऐसी दो आकृतियां मिलती हैं तो एक ज्वाइंट बनता है, क्या बनता है, एक ज्वाइंट बनता है, और एक प्रत्येक ज्वाइंट के लिए दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा ऐड करने होते हैं। देखिए दो आकृति मिल गई, एक ज्वाइंट बन गया ये वाला, और दो ट्राइंगल क्या करती है, एक्स्ट्रा ऐड करती है। आगे देखिए इस पे चलते हैं, ये 8 का सेट, ये 8 का सेट और ये भी 8 का सेट, तो 24 ट्राइंगल तो हमारे ऐसे ही आ गए चुटकियों में, सोचना ही नहीं पड़ा बस, क्यों, क्योंकि हमारा बेसिक मजबूत है, हमने पिछली सारी वीडियो देखी है इसलिए। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला जब हम चलते हैं तो मैंने कहा था कि ऐसी जब दो आकृति मिलती है तो एक ज्वाइंट बनता है, एक ज्वाइंट के लिए दो ट्राइंगल ऐड होते हैं, एक के लिए दो तो दो के लिए 4, यस या नो। इधर देखिए, तो पहला ज्वाइंट इसका ये रहा, दूसरा ये रहा, तो मैं 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज सीधा सीधा ऐड कर सकता हूं और टोटल आ गए 28 ट्राइंगल। देखिए कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अब देखिए दोस्तों, अब ज्वाइंट का कैसे निकाले, कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, तो भैया सेंटर केंद्र को तो पहचानते हो, देखिए ज्वाइंट बराबर होता है सेंटर माइनस 1, यानी जितने केंद्र हैं उसका -1 कर दो। देखिए यहां दो केंद्र हैं, दो में से एक ऐड, एक माइनस किया तो कितना 1 आ गया, एक के लिए 2। देखिए यहां कितने 3 सेंटर हैं, 3 में से एक घटा दिया 2 आ गया, और 2 का गुणा 2 से किया कितना जोड़ दिए 4 आ गए। देखो यहां अब इस पर आ जाइए, देखिए उत्तर बच्चों ने निकाल लिया होगा मुझे पता है। इधर देखिए 8, 8, 16, 8, 24 और 8, 32 यानी 32 ट्राइंगल तो हमारे सीधे सीधे आ गए। देखिए 8 का ये 8 का ये 8 का ये 8। उसके बाद देखिए इसमें सेंटर कितने, सेंटर यानी केंद्र 1, 2, 3 और ये 4। अगर हमारी अगली आकृति इस प्रकार है, अब देखिए दोस्तों ये आकृति लगभग सेम है लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी सी चेंज है, इनके बीच में देखो एक सीधी लाइन डाली होगी बीच में, उनके नहीं थी। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तरीका सेम रहेगा आकृति गिनने का, वही जो मैंने बेसिक में कराया था। देखिए इसमें कितने हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 का डबल 12, क्लियर, वही बेसिक वाली चीज जो पिछली वीडियो में, और 12 ही उसमें हो जाएंगे। 12 के बाद देखिए दोस्तों मैंने कहा था ऐसी दो आकृति अगर मिलती है तो एक ज्वाइंट बनता है, यस या नो, और उस ज्वाइंट के लिए कितने ट्राइंगल ऐड करते हैं 2, क्लियर है। और पिछली वीडियो आपने जो देखी थी त्रिभुज वाली, उसमें भी मैंने कहा था कि यदि ऐसी दो आकृतियां अगर सेंट रेखा कोई दो आकृति मिले और कोई रेखा सेंटरों को टच करा दे, सेंटर से टच करा दे, तो वहां भी एक ज्वाइंट बनता है, उसके लिए कितने 2 ट्राइंगल और ऐड होते हैं। देखिए ये रेखा ने सेंटरों को टच करा रखा है इसको और इसको, तो यहां भी ज्वाइंट और बनेगा और उसके भी 2 ट्राइंगल ऐड होते हैं। ये तो हमारा सीधा सीधा तरीका गिनने का, क्लियर। 12, 12, 24, 24 और 4, 28 इसका आंसर आ गया पहली बार। अब दूसरे तरीके से समझिए इसको। देखिए दोस्तों मैंने दो ये वाले तो उस आकृति में बताई दिए थे आपको, एक तो ये और एक उल्टा, ये सियानो। उसके बाद देखिए दोस्तों ये दो तो क्लियर है आपके, और इस दो की बात करते हैं ये वाले की, तो देखिए दोस्तों ये वाले दो, ये वाले जो दो बन रहे हैं पहला वाला त्रिभुज ये हमने मिला के गिना, देखो ये वाला इधर अलग है ना ये वाला अलग, लेकिन ये मिला के बन रहा है ऐसे, ये देखो ये वाला भी नीचे की साइड मिला के बन रहा है, और वो बन क्यों रहा है, क्योंकि ये बीच में रेखा है जो सेंटरों को टच करा रही है, तो ये वाले दो। तो आप कैसे याद रखोगे और इजी तरीके से, यदि कोई रेखा आपस में सेंटरों को टच कराए, केंद्रों को टच कराए, तो या मिलाए, टच कराने का मतलब मिलाए, तो उनके मध्य जो ज्वाइंट बनता है उस ज्वाइंट के लिए सीधे सीधे 4 ऐड करने होते हैं, 4 ऐड करते हैं। अब इसमें आ जाओ, देखिए ये देखिए 12 तो इसमें हो गए, 12 इसमें हो गए और 12 इसमें हो गए, कैसे हो। उसके बाद देखिए पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर, 3 सेंटर तो ज्वाइंट कितने इसमें 2, 2 ज्वाइंट है, और देखिए सेंटरों को रेखा टच करा रही है,
तो एक जॉइंट के लिए कितने, चार, मैंने अभी बताया, तो दो के लिए आठ, तो 36 तो ये हो गए और आठ कौन से हो गए जॉइंट वाले, तो कितने हो गए 42 आंसर। दोबारा देख लीजिएगा, आठ कैसे ऐड किए, 36 तक क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, चार इस वाले जॉइंट के और चार इस वाले जॉइंट के, ऐसे आठ क्लियर है, मैंने डायरेक्ट मिला के लिख दिया। एग्जाम में अपने को जितनी जल्दी करेंगे ना उतना ही फायदा है। अब देखिए इसमें सेकंडों में आपका आंसर आ भी गया होगा मुझे उम्मीद है। तो देखिए 12, 12, 12 और 12, तो 48 तो ये ही हो गए अपने दोस्तों। 48 के बाद देखिए इसमें सेंटर के लिए 1, 2, 3, 4 और जॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या, सेंटर माइनस ए, तो 4 माइनस 1, 3। अब देखिए रेखा सेंटरों को टच करा रही है, यस या नो, और करा रही है तो क्या होगा दोस्तों, एक के लिए चार, तो तीन के लिए कितने ऐड हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 12, तो कितने हो जाएंगे टोटल 60 आंसर। देखिए इतनी बड़ी आकृति बड़े आसानी से गिन ली। अब चलते हैं दोस्तों अगली और एक आकृति है, उससे आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन, और दूसरी आकृति जो है इससे थोड़ी सी अलग है। देखिए इनमें सब में रेखा पूरी यहां से लेके यहां तक है, लेकिन इसमें रेखा आती है ये सेंटरों को टच करा रही है। तो देखिए पहले तो वही पुराना फॉर्मूला, इसमें देखिए 10, 5 का डबल, 1, 2, 3, 4, 5 का डबल 10, और इसमें भी 10, यानी 20 तो ये हो गए। 20 के बाद देखिए दोस्तों ये रेखा, अब ये होता है, अब कंफ्यूजन होता है कि हम दो ऐड करें या चार ऐड करें, तो वो देख लीजिए भैया, रेखा तो सेंटरों को टच करा रही है ना, हमारा तो यही वो है ना फॉर्मूला, करा रही है तो बस कितने ऐड होंगे चार, कितने ऐड होंगे चार, सोचना ही नहीं है कि रेखा आधी है या पूरी है या कितनी है, बस आपको तो ये देखना सेंटर को टच हो रहा है, सेंटरों को टच होते ही चार, तो कितना आंसर आ जाएगा 24 आंसर, क्लियर। तो हाँ तो दोस्तों देखिए अगली आकृति हमारी इस प्रकार है, ये आकृति हमारे सामने, ये आकृति SSC रेलवे 10+2 CGL RAS IAS बहुत सारे एग्जाम में बार बार देखी गई आकृति है। तो देखिए दोस्तों, और ये आकृति तो बहुत बार देखी गई है, फिक्स ये आकृति तो कई बार, इधर देखिए दोस्तों, अब मैं इस आकृति की बात करता हूं, सबसे पहले इस आकृति को मैं बेसिक से गिनता हूं एक मिनट के लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, 9 ट्रायंगल तक अपने को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 9 के बाद देखिए ये वाला 1, 2, 3, 8 को मिला के 10, दूसरा वाला देखिए 6, 3, 4, 5 को मिला के, या 3, 4, 5, 6 को मिला के कितना 11, उसके बाद देखिए 6, 7, 8, 9 को मिला के 12, और एक पूरा बड़ा कितने ट्रायंगल आ गए इसमें 13, कितने इसमें 13। अब देखिए दोस्तों ये वाली आकृति तो हमारी छोटी है गिन ली, लेकिन इस आकृति में, और मान के चलो एग्जाम में बड़ी आकृति आ गई, एग्जामिनर का मूड चेंज हो गया, तो हम कैसे गिनेंगे, ऐसे तो नहीं गिन सकते, अगर ऐसे गिनने लगे तो क्वेश्चन का पेपर का पूरा टाइम रीजनिंग का ये सवाल ही ले जाएगा। तो मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाता हूं, देखिए 1/8 ठीक है, n n+2 2n+1 ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला n n+2 2n+1 -1, ये तो फॉर्मूला है भैया सम के लिए, और ये फॉर्मूला है विषम के लिए, किसके लिए, विषम के लिए, ओके। तो देखिए दोस्तों अब सम और विषम कैसे देखें, देखिए दोस्तों एक मिनट के लिए मैं आपको बता देता हूं, इस पर देखिए किसी भी रेखा पर देख लीजिए खड़े खड़े त्रिभुज कौन से, देखिए 1, 2, 3, एक साइड जिनका मुंह एक साइड हो, अब इनका मुंह ऊपर की साइड है, हमें ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ये वाली जो आकृति है ये उल्टी पड़ी है और ये वाली आकृति सीधी पड़ी है, तो सीधे वाले त्रिभुज तीन है, इसमें देखिए 1, 2, 3 और 4, अब किसी भी रेखा से देख सकते हो, देखो हमने अभी इस रेखा पे देखा, अब हम इस रेखा पे चलते हैं 1, 2, 3 और 4, देखिए इस पर भी 4, 1, 2, 3 और 4, यानी किसी भी पर गिनने पर 4, इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, तो दोस्तों ये तो सम हो गई और ये क्या हो गई विषम हो गई, ये क्या हो गई दोनों विषम हो गई, तो सम वाला फॉर्मूला और विषम वाला, दोनों में अंतर ये है कि सम वाले में कुछ नहीं करना, विषम वाले में -1 कर देना है, यस या नो।
देखिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को, 1/8। अब देखिए फॉर्मूला ये है, एन का मान 3, एन प्लस 2 यानी 3 प्लस 2। आगे देखिए ब्रैकेट 2n, 3 × 2 + 1 यस या नो, और माइनस। दोस्तों अब इस आकृति पे चलते हैं, इस आकृति पे जब बात करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, सम वाला फॉर्मूला काम में आएगा। देखिए इसके n का मान कितना लेंगे, 4। देखिए 1/8 n, n का मान कितना, 4 n प्लस 2, 4 + 2 कितना, 6 × 2n, 2n यानी 4 × 2 = 8 + 1 = 9। बाकी तो कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसको काट लीजिए, 2 से 2 × 2 = 4 या 4 × 2 = 8, सीधा ही 2 बार कट गया। और इसको काट लीजिए आप 3, देखिए 4 से 8 को काटा, 2 बार गया, फिर 2 यहां बच गया, 2 से 6 को काट लिया 3 बार, और 3 × 9 कितना आ जाएगा, 3 × 9 कितना आ जाएगा, 27 आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों देखिए इसमें 27 है, इसकी आप खुद कैलकुलेट। अगर दोस्तों देखिए अगली आकृति हमारी इस प्रकार है, ये हमारे सामने 6 स्टार है और ये 5 स्टार है, और ये आपको पता है 6 स्टार में 2 लाइन है। देखिए दोस्तों 6 स्टार में कितने ट्रायंगल होते हैं, देखिए याद रखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के बाद दोस्तों देखिए एक पूरा बड़ा ये रहा, 7 और एक पूरा ये रहा, कितने 8, कितने ट्रायंगल है 8। अब दोस्तों इस पे चलिए, इसकी बात कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 के बाद देखिए दोस्तों 7 और ये 8, 8 के बाद देखिए दोस्तों इस वाली लाइन पर आ जाइए, इस वाली लाइन पर ध्यान से, यहां पूरा ध्यान, ये वाला ट्रायंगल एक इस वाली लाइन से, और इस वाली लाइन से दूसरा ट्रायंगल इधर, ये 2 यानी इस वाली लाइन से कितने ट्रायंगल, 2। तो ऐसे ही देखिए दोस्तों इस वाली ट्रायंगल, इस वाली लाइन 1 और इसी वाली लाइन से ये दूसरा ट्रायंगल 2, देखिए दोस्तों 2, और ये पूरे बड़े 2 देखिए दोस्तों जो इसमें गिने थे हमने 6 स्टार, 1 और ये 2, क्लियर। तो देखिए 8 तो ये हो गए, 2 ये वाले हो गए और 2 ये वाले हो गए और 2 ये वाले पूरे बड़े वाले, तो कितने ट्रायंगल हो गए इसमें, 14, कितने ट्रायंगल हो गए इसमें, 14। अब दोस्तों चलते हैं 5 स्टार के ऊपर। दोस्तों देखिए ये अपना 5 स्टार है, 5 स्टार की जब मैं बात करता हूं तो 5 स्टार में सबसे पहले नंबर डाल लेता हूं, 1, 2, 3, 4 और ये 5, बड़ी आसानी से हमें दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 3 को मिला के, 1 और 3 को मिला के, दूसरा देखिए दोस्तों 2 और 5 को मिला के, देखिए दोस्तों 2 और 5 पे नजर होनी चाहिए आपकी मार्कर के साथ साथ, 2 और 5 को मिला के, उसके बाद देखिए दोस्तों 1 और 4 को मिला के, 1 और 4 को मिला के, उसके बाद देखिए दोस्तों 3 और 5 को मिला के, 3 और 5 को मिला के, 3 और 5 को मिला के, उसके बाद देखिए दोस्तों 2 और 4 को मिला के, 2 और 4 को मिला के। अब देखिए दोस्तों 5 तो ये वाले हो गए और 5 ये वाले हो गए, तो टोटल कितने होते हैं, 10। अब आपको याद रखना है कि 6 स्टार में हमेशा 8 ट्रायंगल होते हैं और 5 स्टार में हमेशा कितने होते हैं, 10। अब भले ये स्टार छोटा है लेकिन इसमें ट्रायंगल संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये आपको याद भी रखना है। अब देखिए दोस्तों अगर आप ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको और अच्छे बेहतरीन वीडियोज मिलते रहे, क्लियर दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों आपकी जो हमारी जो मेहनत होती है वो आपके प्यार से और ज्यादा बढ़ जाती है। अब आपके लिए इतनी बेहतरीन आकृतियां मैं लेके आया हूं और भी आपको अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, इससे आप सबसे पहले सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हो आपको और अच्छा मेटेरियल मिले तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें।
जिससे कि मुझे भी पता चल सके कि मेरी मेहनत क्या है, मैं कितनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूं। तो दोस्तों ये लाइक शेयर